हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पॉम्फ्रेट फ़िश करी की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉम्फ्रेट ले लिए हैं, इसे मैंने 3 हिस्सों में कट कर लिया है। अच्छी तरह से आप वॉश कर लीजिए इसे नमक से। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 कटे प्याज ले लिए हैं, आधा नारियल, ये गीला नारियल है ये मैंने कट करके यहाँ पर ले लिए हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून ज़ीरा लिया है और लहसुन लिया है मैंने 9 से 10 कली लहसुन की, कुछ कड़ी पत्ते लिए हैं, इमली ली है 2 टीस्पून के करीब। यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून मैंने धनिया का पाउडर ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, लगभग 3 से 4 चम्मच तेल है। इसमें हम जो प्याज है उसे हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसे भून लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसे ट्रांसपेरेंट होने तक ही भूनना है। बहुत से लोग इसे कच्ची प्याज में भी इस मसाले को बनाते हैं, बट हल्का सा आप इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए, बिल्कुल भी हमने लाल नहीं किया है, इसे ट्रांसपेरेंट ही रखा है। अब सबसे पहले हम ज़ीरा जो है, ज़ीरा मैंने लिया था 1 टीस्पून मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और आधा टीस्पून हम तड़के में लगाएंगे। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पर जो लहसुन हमने लिए थे ये भी इसमें ऐड कर लिए हैं और देखिए इसका फाइन पेस्ट बन चुका है। साथ में अब हम ये जो प्याज थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ जो कोकोनट मैंने चॉप करके रखे हुए थे ये भी हम ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों का हम एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरह से आपको एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। अब सेम बर्तन में मैंने तेल ऐड कर लिया है। तेल लगभग मैंने 4 से 5 आप टेबलस्पून कह सकते हैं, इसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिए। सबसे पहले मैंने जो आधा टीस्पून ज़ीरा बचा कर रखा था वो आप मैंने ऐड कर लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट मुझे ये फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ कड़ी पत्ते जो मैंने लिए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इसे हल्का सा कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें ये जो मसाला जो ग्राइंड कर लिया था वो हम ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से इसके जो कच्चापन है निकल जाए। अब ये हल्दी, मिर्ची और धनिया का जो पाउडर हमने लिया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। बस बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये करी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि कोकोनट का फ्लेवर फिश के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए इसी तरह से हमें भूनना है जब तक कि ये जो तेल है ऊपर थोड़ा थोड़ा आ ना जाए, तब तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। अब हल्का सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो रहा था। तो ये जो कोकोनट है ये अपना तेल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगेगा तो ये और भी ज़्यादा ऑयली होगा। आप देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से इसे भूनना है। अब आप देख सकते हैं तेल ऊपर आने लगा है थोड़ा थोड़ा। अब थोड़े थोड़ा करके आप इसमें पानी ऐड कर ले अपने हिसाब से और इसे अच्छी तरह से पकाए। तो लगभग 4 से 5 मिनट तक आपको इसे भूनते रहना है ताकि अच्छी तरह से ये जो मसाले हैं ये भून जाए। और एक बार ये अच्छी तरह से भून जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे ये फ़िश के पीसेस। तो यहाँ पर मैंने पॉम्फ्रेट फ़िश यूज़ की है, आप इसमें कोई भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं, सैल्मन, सुरमई, रोहू, कोई भी आपके चॉइस के फ़िश आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
तो देखिए फिश हमने डाल दी है, अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने ऐड कर लिया है नमक, नमक मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। देखिए थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है तो हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए 8 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, बट एक लास्ट स्टेप इसमें बाकी है। तो देखिए अच्छी सी तरी भी आ गई है ऊपर, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये जो इमली मैंने ली थी, इसे मैंने भिगा कर रखी थी, तो इसका जो पानी है हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ़िश करी में इमली का जो फ्लेवर है बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही टेस्टी बनती है, ये टैंगी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो आप इसमें ये स्किप बिल्कुल भी ना करें, ये ज़रूर ऐड करें। अब इमली का जो रस है उसे डालने के बाद हम 5 मिनट और पकाएंगे और देखिए 5 मिनट के बाद बनके बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। अब ऊपर से मैं इसे हल्का सा गार्निश कर रही हूँ धनिया के पत्ती के साथ। तो ये हमारी फ़िश करी है बिल्कुल बनके रेडी, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे सर्व कर लिया है, आप इसे बॉइल्ड राइस या गर्मा गर्म रोटियों के साथ सर्व करें तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।